बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। गुज़िश्ता दिनों जब मैं सवात के सफ़र पर था तो बहुत से हमारे दोस्त अहबाब ने कुछ ऐसे कामों की निशानदही करवाई, कुछ ऐसे उमूर की तरफ तवज्जो दिलाई कि जिन पर बात करनी चाहिए, और वो ये चाहते थे कि पश्तो ज़बान में इस पर आप काम करें और वहाँ के लोगों को मुतवज्जे करें कि जो माशरती मसाइल हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी शरी नुक्ते नज़र से इस्लाह की ज़रूरत है और वो चीज़ें माशरे में इस तरीके से पेनेट्रेट कर चुकी हैं, सरायत कर चुकी हैं कि उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है पूरे माशरे को। तो उसके लिए फिर हमने बाद में काफ़ी मुशावरत की और फिर हमने ये तय किया है कि हम एक अलग फेसबुक पेज भी बना रहे हैं और एक यूट्यूब चैनल भी अलग से। इस चैनल पे वो सारी चीज़ ज़ाहिर है हम अपलोड नहीं करेंगे और ना अपने आम जो पेजेज़ हैं उस पर, इसलिए कि इस पर जो ऑडियंस है वो सारी मिक्स है। वो चैनल अलग बनाने का मकसद ये है कि जो पश्तो ज़बान समझते हैं और जिनके लिए वो क्लिप रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं तो वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस पेज को फॉलो कर लें, तो जो उनसे मुतालिका चीज़ें वो वहाँ पर वो सुन भी सकेंगे। जो बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मेरी नज़र में हैं जो मैं समझता हूँ कि उसकी इस्लाह होनी चाहिए और उस पर बहुत कम बात होती है, उस पर डिस्कशन बहुत कम होती है, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं और शरीयत की उसमें बड़ी वाज़ह रहनुमाई और वाज़ह तालीमात मौजूद हैं। तो उस चैनल का लिंक और डिस्क्रिप्शन भी इंशाल्लाह वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसका लिंक मुफ्ती रशीद पश्तो स्पीचेस के नाम से पेज भी होगा और मुफ्ती रशीद पश्तो स्पीचेस के नाम से यूट्यूब चैनल भी होगा। उस चैनल पर जाकर आप अपने अगर कोई उस मौजू से मुतालिक कोई स्पेसिफिक सवाल है तो इंशाल्लाह मैं उसको भी फिर दोबारा डिस्कस हम करेंगे, बात करेंगे। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप पठान हैं तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और फॉलो भी करें, तो इंशाल्लाह वहाँ जो इस तरह की चीज़ें वहाँ हम वो डिस्कस करेंगे। कुछ इस तरह की फितने, नए नए फितने उठ रहे हैं जो मुझे बताए गए कि वहाँ नौजवानों में किस किस किस्म के फितने आ रहे हैं जो मुझे और किसी जगह नहीं मिले इतने ज़्यादा इस हद तक, या कम अज़ कम उस कल्चर के लिए वो चीज़ें नहीं हैं, तो उस पर भी इंशाल्लाह मैं बात करूँगा। तो आप तमाम हजरात मेरा इस पैगाम, मेरा जो ये मैसेज है, ये पैगाम है, इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अहबाब तक पहुँचाएँ। इंशाल्लाह फिर वहाँ उस चैनल पर आपसे इस पर तफसीली बात होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।